मैं आरजे रविंद्र, फिलहाल बद्री नारायण जी हमारे साथ में हैं, ऑथर, स्पीकर, पोएट, जितनी तारीफ की जाए उतनी बद्री नारायण सर की कम है। सबसे पहले सर इलाहाबाद की बात करते हैं, कचौड़ियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें फेमस है और आप वहां से उस नगरिया से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पहले उस नगरी के बारे में? महान शहर रहा है, अभी भी अमृत वहां का प्रसिद्ध है, वो निराला का शहर रहा है, देवी का, पंत का, प्रसाद का, हिंदी के बड़े राइटर्स का शहर रहा है, वहाँ बड़े सारे साहित्यकार वहाँ साहित्यकार बनने के लिए जाते थे, अज्ञेय जी, शमशेर बहादुर सिंह, ये सब लोग कमरा किराया पे लेके वहाँ रहते थे। वो एक तरह का ऐसा जगह था जहाँ होने से ही आप साहित्यकार होते जाते थे। और वो निराला नेहरू का शहर है, प्रताप सिंह का शहर है, चंद्रशेखर ने वहाँ से पढ़ाई करी, वो बहुत ग्रेट माइंड्स को उसने पैदा किया, बिल्कुल बड़े राइटर्स वहाँ निकले सभी। फिराक का शहर है जी, जी। हरिवंश राय बच्चन का शहर वो तो वहाँ गिना दिए, मतलब आपने बहुत सारे बहुत सारे। तो सर सही है, ग्रेट सर। सर आपकी बुक हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम बताइए। रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व मैंने किताब लिखी जिसमें मैंने ये कहा कि जो पॉलिटिक्स जिस तरह से इवॉल्व हो रही है हिंदुत्व की जी, और जिस तरह से वो मार्जिनल कम्युनिटीज के बीच फैल रही है, पहुंच रही है जी, उनको हमने उसमें डॉक्यूमेंट किया और ये देखने की कोशिश की कि कैसे अपने सेवा प्रोजेक्ट से, अपने जो तरह तरह के स्वास्थ्य, शिक्षा, एम्पावरमेंट और आइकॉन्स की, यानी संस्कृति के नायकों की, जो हीरोज कम्युनिटी का ढूंढ करके उनको मोबिलाइजेशन से जोड़ना, ये सारा काम करके हिंदुत्व ने कैसे अपना, पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व ने अपना एक्सपेंशन किया है मार्जिनल कम्युनिटी के बीच, खास करके नॉर्थ इंडिया में जी। और वो नॉर्थ इंडिया पर बेस्ड किताब है, लेकिन वो और दूसरा उसमें जो मैंने बात कहने की कोशिश की है कि संघ जो अभी तक टिपिकल स्टीरियोटाइपिकल नोशन संघ के बारे में रहा है कि वो सिर्फ ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने को इवॉल्व किया है और लगातार इवॉल्व करके दूसरे सारे समूहों को अपने में जोड़ने की कोशिश की है। इसको मैंने रिसर्च से, फील्ड वर्क से डॉक्यूमेंट करके एक डेटाबेस नैरेटिव को के माध्यम से उस किताब को इवॉल्व करने की कोशिश की है और कैसे इससे डेमोक्रेसी की बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, चाहे कोई भी करे, लेकिन अगर आप फैलते हुए, चाहे राइट हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे सेंट्रिस्ट हो, अगर आप मार्जिनल कम्युनिटी के बीच पहुंचते हैं, उनके जीवन को आप प्रभावित करते हैं, उनको अनुप्राणित करते हैं, उनको शक्तिवान बनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से डेमोक्रेसी के लिए फायदेमंद। एक सर रीशेप की बात भी आपने लिखी है कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का रीशेप हुआ है, तो वो थोड़ा सा हमें, वो रीशेप इस सेंस में है कि डेमोक्रेसी की प्रक्रिया चल रही थी पहले से जी, और वो चलते हुए उस प्रक्रिया में एक खास सेक्शन डेमोक्रेसी के उस मोबिलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जी, जी। लेकिन एक बड़ा सेक्शन उससे बचा हुआ था, तो वो धीरे धीरे उसमें आ रहा है, यानी डेमोक्रेसी तरह तरह से बन रही है ना, यानी आप भी डेमोक्रेसी रच रहे हैं, हम भी रच रहे हैं, संघ भी रच रहा है, कांग्रेस भी रच रही है, बीजेपी भी रच रही है, सबके अपने अपने रास्ते हैं जी। उन रास्तों से जहां तक वो पहुंच करके जिन जिन को शामिल कर लेती है अपने में, वो एक तरह से एक्सटेंशन है डेमोक्रेसी का। तो मेरा कहना है कि वो रिशेप कर रही है और बहुत सारे समूहों को अपने में जोड़ रही है, ला रही है, और साथ साथ जिसको कि डेरिडा कहते हैं डेमोक्रेसी टू कम, यानी डेमोक्रेसी जिसको अभी आना है जी, यानी जिसको कहते हैं ना वेरियस स्पीसीज ऑफ लाइफ, जैसे जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, चिड़िया हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इन सबके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा डेमोक्रेसी के एक्सटेंशन के लिए जी। तो उस दिशा में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो और संघ के जो जो हम कहते हैं ना जो क्लोज रिलेशनशिप है फीडबैक का, यानी फीडबैक वहां से उनको मिलता है और उस आधार पर वो अपनी पॉलिटिक्स को रिशेप करते हैं, तो उसमें इन सारे कंसर्न को उन्होंने लाया है। और आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना कि ये सारे समूह, यानी जिस तरह से इन समूहों को डेमोक्रेसी में जोड़ने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर, दो बातें उसमें हमने और कही है। एक तो कही है कि सोशल पॉलिटिक्स का नोशन, यानी नरेंद्र मोदी ने जो गांधी के समय किया था, पॉलिटिक्स में सोशल इशूज को आप ले आते थे और उनको पॉलिटिक्स का इशू, यानी अच्छा। नेहरू, गांधी ने क्या किया, हरिजन उद्धार, अछूतोद्धार, इन सारे सोशल इश्यूज को उन्होंने पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया और उससे एक बड़ी पॉलिटिक्स करी। सिमिलरली नरेंद्र मोदी छोटे छोटे इश्यूज को उठाते हैं, परीक्षा पे चर्चा, पर्यावरण का सवाल, गौरव का सवाल, अब ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपके एवरीडे लाइफ के सवाल,
उनको वो डेमोक्रेसी के डिस्कोर्स से जोड़ देते हैं। तो सोशल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का बने, यानी उनका कहना है कि पॉलिटिक्स, एक उन्होंने अपने एमपीज को कहा था कि पॉलिटिक्स अब सिर्फ पावर की पॉलिटिक्स नहीं रह जाएगी, आपको सोशल पॉलिटिक्स तरफ जाना होगा। तो एक तो नया काम उन्होंने ये किया। अब उसमें संघ की बड़ी भूमिका है, मेरा उस किताब में कहना है कि संघ एक बड़ी फीडबैक एजेंसी है जो बीजेपी के पॉलिटिक्स को फीडबैक देती है और बीजेपी के पॉलिटिक्स उस तरह से अपने को रिशेप करती है। हालांकि समय बहुत लगता है, लगभग 15-20 साल लग जाते हैं आइडियाज को वहां से आके पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्म होने में। दूसरा उसमें मैंने कहा है कि इस तरह के जो कंसर्न है, अब नदियों की चिंता, नदियों के जलों को लेकर के कुछ काम करना सिंबॉलिक ही करें, लेकिन उनको एक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना, ये फ्यूचर के लिए डेमोक्रेसी का जो डिस्कोर्स है वो खड़ा करना है। और नरेंद्र मोदी पहले पॉलिटिशियन है इंडिया के जो गांधी के बाद, जो जिनके दिमाग में एक बड़े फ्यूचर की संरचना है। नेहरू ने अपने कामों से फ्यूचर बनाने की कोशिश की, लेकिन पंचवर्षीय योजना, उनका हर काम पंचवर्षीय योजना में सीमित था। ये सारे जो लीडर हैं, नेहरू, गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब वर्तमान के जो समस्याएं हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, उससे ग्रसित रहे। नरेंद्र मोदी ने वर्तमान को ट्रांसेंड करके फ्यूचर की तरफ जाने की हिम्मत दिखाई। तो सर, रिपब्लिक सफल होगा ये रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व में इस तरह के डिस्कोर्सेस को मैं लाने की कोशिश। सर, इसमें राम मंदिर का जिक्र भी आपने किया। राम मंदिर मतलब यह है कि कैसे धर्म मार्जिनल कम्युनिटी के लिए बहुत मैटर करता है। देखिए, मंदिर हम लोगों के लिए लगता है मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, मंदिर का जो अर्थ हमारे लिए है वो मार्जिनल कम्युनिटी के लिए नहीं, एकदम अलग अर्थ है। कैसे, हम लोगों ने उसमें जो फील्ड वर्क कर रहे थे बुंदेलखंड में, तो उस किताब में हमने एक चैप्टर दिया है। बुंदेलखंड से बहुत सारी जातियाँ माइग्रेट करके जंगलों से बाहर होके ललितपुर, झांसी के आसपास के हाईवे के किनारे उन्होंने अपना घर बना लिया है, बस्तियाँ बना ली है। और वो जो माइग्रेट किए तो उनके साथ उनकी डीटी भी आई, तो अब वो डीटी को अपना तो घर बन गया, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। अब वो अपने देवता को उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया है, घंटी बांध दी है, झंडी लगा दी है। अब वो कहते हैं कि इनका मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि बगल के ठाकुर साहब के गांव में बड़ा मंदिर है, तो अब यहाँ भी मंदिर बनना चाहिए। अब उसमें मदद कौन करे, कुछ सेकुलर पॉलिटिक्स का मंदिर से कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को और ये सारे। तो ऐसे में संघ के लोग खड़े होते हैं, उनको चंदा इकट्ठा करके देते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो वो एक बड़ा इंस्पिरेशन है, यानी मंदिर उनके लिए क्या है, सिर्फ मंदिर नहीं, उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स है जो वहाँ बैठते हैं, सुख दुख की बात करते हैं, शादी विवाह की बात करते हैं। घर में तो इतनी जगह है नहीं, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो घर मिलता है उसके सामने कोई चौपाल तो होता नहीं है जी। तो वो सब मंदिर के कॉम्प्लेक्स में बैठ बैठ करके ये लोग अपना डिस्कशन करते हैं, बड़े बड़े इश्यूज रिजॉल्व करते हैं अपने जीवन के। तो मंदिर उनके लिए एक सोशल कॉम्प्लेक्स भी है, एक कम्युनिटी एक कॉम्प्लेक्स भी है, सिर्फ पूजा की चीज़ नहीं है। तो हमें ये भी समझना होगा कि जो मार्क्स ने कहा है कि धर्म जनता की अफीम है, साथ साथ ये भी कहा है कि धर्म जनता के लिए के हृदय की कराह है। तो कराह को भी हमें समझना होगा, उसको देखना होगा, वो सर बिल्कुल पढ़ना होगा, रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व को बिल्कुल पढ़िए। और सर, मैं चाहता हूँ लास्ट में, फाइनल में कुछ 2-3 लाइन में आपकी पोएट्री। मेरी कविता कविताओं के संकलन है, अभी तुमड़ी के शब्द पर मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 22 का, उसको जरूर पढ़िए। मेरी प्रतिनिधि कविताएं आई हैं, और प्रेम पत्र हमारी एक कविता है जिसको अभी दहाड़ में विजय वर्मा ने रिसाइट किया है, जो उचिची सीरीज है, तो उसको भी आप सुन सकते हैं। और कविताएं सब ऑनलाइन भी हैं, बहुत सारी कविताएं पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर 2 लाइन की एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। कविता है माँ का गीत, मदरस लल्ला भाई अंग्रेजी में कहेंगे। अगर अगर तू सूर्य होता तो दिन भर आसमान में जलता रहता, अगर तू चांद होता तो तुझे रोज रोज पूर्णिमा से एकम तक कसाई के कत्ते से कटना पड़ता, अगर तू तारा होता मेरे लाल तो मुझसे कितना दूर होता, अच्छा हुआ तू बद्री नारायण। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बद्री नारायण सर। बजाते रहो।